गुड मॉर्निंग क्लास रिलीजन चौधरी महाविद्यालय से मैं आज आपके सामने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और फंक्शंस ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, उसमें हमारे कुछ पॉइंट क्लियर हो चुके थे, कुछ पॉइंट आगे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें तो पॉइंट की प्रमोटिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, तो प्रमोटिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो आप जानते ही हैं अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं और साइकोलॉजिकली हम जो भी टेस्ट देखते हैं उसमें हम लोग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो व्यक्ति के ऊपर जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं तो पहले हमें ये देखना होता है कि वास्तव में वो व्यक्ति अपने सेल्फ से पूरा तरीके से अंडरस्टैंड है। मान लीजिए अगर उसे खुद नहीं वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो चीज़ें उसकी लाइफ में उतनी एप्लीकेबल है भी, यानी केवल वो बोल रहा है, लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो उनकी जो सेल्फ की भी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति, जैसे किसी ने किसी जॉब के लिए बोल दिया कि हाँ उस जॉब के लिए बना है, जॉब उसके लिए सही है, वो जॉब करना चाहिए, ये बात अलग है। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड या उसका सेटिस्फैक्शन उस जॉब के लिए है ही नहीं, मान लीजिए अगर उसे टीचिंग लाइन पसंद है लेकिन उसने पुलिस या फिर कोई भी प्रशासनिक लाइन चुन ली, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि उसको वो लाइन पसंद नहीं है, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो उस लाइन में उसको नहीं मिलेगा। इस यही जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है कि हर व्यक्ति को अपने प्रति अवेयर होना चाहिए कि वो उस काम को करने के लिए बना भी है कि नहीं। अगर बना है तो वास्तव में लॉन्ग टाइम यानी कि लॉन्ग टाइम जो कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म जो कमिटमेंट होता है कि पूरे जीवन तक उस काम को कर पाएगा पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी रुचि के साथ, पूरा मन के साथ, और वास्तव में वो चीज़ें उसको कभी बोर नहीं लगेगी। तो ये होती है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति की डेवलप होती है तो उसको पूरी अपने अंदर की कमियाँ, अपने अंदर की अच्छाइयाँ, सब कुछ उसे खुद समझ में आने लगता है कि वास्तव में वो जो वर्क है उसके लिए किस कॉन्सेंट्रेट तक है। ठीक है, तो ये होती है। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हर व्यक्ति की होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने प्रति सेल्फ अंडरस्टैंड नहीं होगा तो वो जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से जीवन में हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम। अगला है प्रोग्राम इवेल्यूएशन। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट सिक्स पॉइंट है प्रोग्राम इवेल्यूएशन। तो हम जानते ही हैं जब भी हम, जैसे मान लीजिए अगर शोध का कार्य कर रहे हैं तो शोध कार्य करने के लिए हमें क्या करना होता है? मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन हम प्रत्येक स्टेज पर करते हैं, चाहे क्वेश्चन का जो भी, जैसे मान लीजिए अगर हमें डाटा कलेक्ट करना है हमें उस टाइम पर भी ये देखना होता है कि जो डाटा जिस विधि से कलेक्ट किया जा रहा है क्या उसमें वो चीज़ें सही फॉर्म में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इवेल्यूएशन उस टाइम पर करना होता है। लास्ट में जो डाटा कलेक्ट हो जाता है, डाटा कलेक्ट करने के बाद जो स्कोरिंग करते हैं और टोटल जो एवरेज स्कोरिंग जो निकालते हैं हम सभी लोगों की, तो वो भी प्रोग्राम इवेल्यूएशन को डिफाइन करता है। इसके अलावा भी, और जैसे देखिए अगर शोध कार्य में जिस जिस फॉर्म में जो जो स्टेज आपने डिफाइन की है या जो जो जैसे होनी चाहिए तो वो उसी फॉर्म में उस प्रोग्राम को कम्प्लीट किया जाना चाहिए। अगर वो उस फॉर्म में कम्प्लीट नहीं होता है तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि जो इवेल्यूएशन है वो नहीं होता। जैसे कि देखिए जो प्रोग्राम इवेल्यूएशन है उसमें सिंपल सा ये होता है कि जो भी प्रोग्राम जिस फॉर्म में हमें कंडक्ट करवाना है तो उसके सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कोई भी रूल तोड़ा तो नहीं जा रहा, मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम इवेल्यूएशन में टेस्ट के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग साइकोलॉजिकल मेजरमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक इंक्वायरी या रिसर्च। तो आप जानते ही, अगर शोध करना है तो शोध के हर एक स्टेप के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो भी और साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है, मनोवैज्ञानिक जो मापन में जो टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो टेस्ट जो है वो किस फॉर्म में एक तरीके से रिसर्च में कैसे यूज़ करना है, उसके कौन से इफेक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए, किस किस फॉर्म में हम उसे यूज़ कर सकते हैं और उसे तोड़ना नहीं है वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो ये रहता है। तो जो साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो इस फॉर्म में देखी जाती है। नेक्स्ट है मिलिट्री और सिलेक्शन। ठीक है, तो मिलिट्री सिलेक्शन आप जानते ही हैं, जब भी, जैसे आपको पता ही है कि एम्प्लॉय सिलेक्शन में तो यूज़ होता ही है साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके अलावा जो मिलिट्री में सिलेक्शन जो लोगों के किए जाते हैं तो उसमें भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है, जिससे व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका एबिलिटीज़ हैं, जो उसका नेचर है, जो पर्सनैलिटी है उस जॉब के लिए है भी कि नहीं, वो चीज़ें जान जाती हैं। ठीक है, तो ये, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो एंड टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान के फॉर्म में साबित होती हैं। तो इसीलिए जो मिलिट्री में जितने भी एम्प्लॉयज़, चाहे वो नर्स स्टाफ हो या
या मतलब जैसे मान लीजिए अगर जो लोअर लेवल का हो अपर लेवल का हो, तो ये सारे लेवल जो है उनकी साइकोलॉजी को देखते ही निर्धारित किए जाते हैं, ताकि जो उनका सिलेक्शन है तो उस फॉर्म में निकाला। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री मिलिट्री जैसे ही, बस मिलिट्री में तो एक ऐसी जॉब होती है जिसमें देश के लिए किसी कार्य को करना होता है, तो कभी कभी पर्सन का खुद का एटीट्यूड भी उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुई वो इम्पॉर्टेंट है। उसका पेशेंस कितना है उसके अंदर, ये भी हमें देखना होता है, ठीक है। निर्णय कितना शानदार ले रहा है, लीडरशिप उसके अंदर है कि नहीं, यही सारे गुण जो मिलिट्री सिलेक्शन में होते हैं वो सेम एज इट इज इंडस्ट्रियल एरिया में भी देखे जाते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति उस कार्य के लिए बना भी है कि नहीं। इसीलिए उसका जो हार्ड वर्किंगनेस है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, और उसका जो पेशेंस है, लीडरशिप प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये सारा कुछ उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं, वो चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री में पर्सन की पर्सनालिटी है, उसका जॉब के प्रति सेटिस्फेक्शन लेवल है, और उसका जो उस जिस जॉब के लिए वो आया है उसके लिए सही है या किसी अन्य जॉब के लिए हम भी उसे प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये है। इसके बाद लास्ट है एजुकेशन। तो आप जानते ही हैं कि साइकोलॉजी और साइकोलॉजी का टेस्ट दोनों का ही प्रयोग हम एजुकेशन में कर सकते हैं। व्यक्ति जब भी एजुकेशन लेता है या देता है, तो लेते समय जो टीचर उसका गाइड होता है उसे ध्यान देना होता है कि वास्तव में जो उसका स्टूडेंट है कि उस स्टूडेंट का साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, उसी लेवल से उसको स्टडी करानी जानी चाहिए, जिससे उसको जो उसके लेवल से जब चीज़ें समझाई जाती हैं तो उसके लिए आसान होता है और सभी के लिए भी आसान होता है, ठीक है। तो ये है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हर बच्चा, जैसे अभी हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी पॉइंट नंबर 3 में, आप जानते ही हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति हर एक कार्य को उसी तरीके से नहीं कर सकता जैसे सभी लोग करते हैं, नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ऐसे ही एजुकेशन होती है। व्यक्ति की जो लिखने पढ़ने की जो स्किल्स हैं सबकी अलग अलग होती हैं। कुछ लोग एजुकेशन को बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं, हर एक टॉपिक को जल्दी क्लियर कर लेते हैं और दूसरे को समझाने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोगों को समझने में बहुत समय लगता है और कभी कभी उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। उनकी साइकोलॉजी को हमें समझना होता है कि उसको हम किस तरीके से समझाएं कि उसे जल्दी समझ में आ जाए, यानी कि उनका इंटरेस्ट और उनकी योग्यता को देखते हुए हम उनको वो चीज़ उसी फॉर्म में सिखाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है जिससे एजुकेशन बहुत शानदार तरीके से वर्क करती है। जैसे आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी हुई होगी, उसमें जो आमिर खान है और जो बच्चा होता है उसके साथ जो दिक्कतें होती हैं उसको मैथ समझने में, उसको मैथ नहीं आती है समझ में, तो सारे लेटर्स और इंग्लिश के लेटर्स हम एक जैसे लगते हैं, तो उनको उसके ही आर्ट के फॉर्म में सिखाने की वो पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 2, वो हम कल से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।